और चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। प्रयागराज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर हुआ, बदमाश उस्मान चौधरी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उमेश पाल को पहली गोली जिस बदमाश ने मारी थी वो यही उस्मान था जिसके साथ मुठभेड़ हुई और जिसको गोली लगी पुलिस की, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले का एनकाउंटर किया गया, एक बड़ी सफलता यहां पर उमेश पाल हत्याकांड में मिली है। प्रयागराज के अंदर उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर किया गया जिसमें बदमाश उस्मान को मौत के घाट उतारा गया। उस्मान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उस्मान एनकाउंटर पर एडीजी ने बयान दिया और कहा कि विजय से उस्मान बनने का मामला संज्ञान में आया। तो आपको बता रहे कि अतीक के गुर्गो को काम तमाम हो रहा है और ऐसे में प्रयागराज के अंदर उमेश पाल हत्याकांड में एक और एनकाउंटर किया गया। बदमाश का नाम है उस्मान चौधरी और उस्मान चौधरी को मौत के घाट उतार दिया गया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल उमेश पाल हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आपको नजर आएगा पहली गोली चलाने वाला शख्स वो बदमाश उस्मान चौधरी जिसको यूपी पुलिस ने यूपीएसटीएफ ने ढेर कर दिया है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपको बता दें उमेश मर्डर केस में ये बड़ी सफलता मिली है और उमेश पाल हत्याकांड के अंदर अब जो पहली गोली चलाने वाला बदमाश था उस्मान चौधरी उसे मार दिया गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसमें एक तरफ इन तमाम माफियाओं के इन बदमाशों के कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है या प्रॉपर्टी जो अवैध प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई है उन पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ इनको चुन चुन कर जो फरार हो रखे बदमाश है उनको चुन चुन कर या तो जेल में डाला जा रहा है या फिर एनकाउंटर किया जा रहा है। फिलहाल यूपी पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, मुठभेड़ में उस्मान को मार दिया गया, उस्मान की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि अब तक सदाकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। दूसरा बदमाश जो उस्मान है जिसने पहली गोली चलाई उसके साथ एनकाउंटर हो गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया वो। तो उमेश हत्याकांड के अंदर आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन यूपी पुलिस ले रखी है। एक तरफ माफियाओं और बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ इन फरार बदमाशों को वार्निंग देते हुए कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो, गिरफ्तार हो जाओ या फिर पुलिस की गोली का शिकार हो जाओगे। तो यही तस्वीर आप देखिए, दो अलग अलग तस्वीर। पहली तस्वीर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जिसका सीसीटीवी फुटेज है, दूसरी तस्वीर में वो बदमाश आपको नजर आ रहा है उस्मान चौधरी जिसने पहली गोली उमेश पाल पर चलाई थी, उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था, जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। गोली लगी हुई है और चूंकि और इसका ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था, जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार प्रयागराज में हमारे सहयोगी अभिषेक पैनी नजर बनाए हुए हैं हर एक अपडेट पर। एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है वो हम आपको दिखाते हैं। रूप रानी अस्पताल के ठीक बाहर प्रयागराज मौजूद हैं। जानकारी मिल रही है कि कौंधियारा थाना क्षेत्र में उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी शूटर विजय उर्फ उस्मान को मार गिराया गया है मुठभेड़ में। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख के इनामी विजय के साथ प्रयागराज पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल उसे यहां पर इलाज के लिए लाया जाएगा। यहां पर पुलिस भी मौजूद है, यहां चौकी इंचार्ज मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी 5-10 मिनट हुआ। आपको जानकारी कितने बजे मिली? अभी मिली है, 10-15 मिनट पहले मिली थी। लेके आ रहे हैं यहां पे उसको जी।
इसीलिए आप लोग स्ट्रेचर लेके खड़े हैं। ये वही स्ट्रेचर जिसको यहाँ पर रखा गया है। जैसे ही उस्मान उर्फ विजय, हालांकि हमें सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसे यहाँ लाया जा रहा है और फिर यहाँ पर बाकी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यहाँ पर तैनात है पूरी तरह इंतजाम के साथ, और प्रयागराज पुलिस के लिए बहुत बड़ा नाक का सवाल था ये, लिहाजा इस एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं जो खौफ है वो और बढ़ेगा बाकी शूटर्स पर, और एक के बाद एक धरपकड़ जो है शूटर्स की वो जारी है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, प्रयागराज, इंडिया न्यूज। अभिषेक की रिपोर्ट आप देख रहे थे, और अभिषेक बखूबी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से यूपी पुलिस का एक्शन चल रहा है और किस तरीके से माफियाओं, बदमाशों के ऊपर जो उस पूरे हत्याकांड के अंदर शामिल थे, सब पर स्ट्राइक किया जा रहा है। अभिषेक मेरे साथ प्रयागराज से सीधे जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ, साथ ही साथ लखनऊ से मेरे साथ रवि कुमार भी जुड़ गए हैं। किस तरीके की पूरी कार्रवाई चल रही है, कौन कौन अभी फरार है, ये सारी जानकारी लूंगा, लेकिन अभिषेक के पास मैं पहले चलता हूं। अभिषेक, मैं आपकी एक रिपोर्ट देख रहा था, उस्मान चौधरी आज ढेर कर दिया गया, सदाकत खान सलाखों के पीछे है, अभी और कितने अपराधी हैं इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए जिनकी तलाश है? बिल्कुल, मुख्य आरोपियों में जो दो नाम सामने आ रहे हैं वो अतीक अहमद का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम, जो वीडियो एविडेंस में भी ठीक सामने है किस तरह से गुड्डू मुस्लिम बम फेंक रहा है, असद बाकायदा पिस्टल कॉक कर रहा है। असद को ही पूरी तरह से ढूंढने में बहुत मशक्कत की जा रही है, क्योंकि वो किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज पीछे नहीं, सबूत छोड़ रहा है जिसको ट्रैक किया जा सके। ना वो किसी तरह का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है, ना उसके साथ कोई है, और ना ही किसी और मीडियम से वो पैसा या बाकी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी बिल्कुल ब्लाइंड होता जा रहा है धीरे धीरे। और ये एनकाउंटर अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी है कि प्रयागराज पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहेगी जब तक पांचों शूटर्स, जो मुख्य आरोपी हैं और जो बाकी लोग हैं जो भी इस हत्याकांड में शामिल हैं, उन तक ना पहुंच जाए। हम इस वक्त यहीं पर ही मौजूद हैं मर्चरी पर, ठीक सामने ये स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर ये जो मर्चरी, मतलब इनके कंपाउंड में जो मर्चरी है, वहां पर लेके आए हैं उस्मान की डेड बॉडी को, और यहां पर अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि उस्मान की अपनी एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है अतीक अहमद के परिवार के साथ, वो उनके दोनों बेटे असद और अली का बहुत करीबी माना जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, जो ऑफिशियल जानकारी प्रशांत कुमार रेड्डी जी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं कि उसका नाम विजय चौधरी हुआ करता था, और सिर्फ वफादारी का सबूत देने के लिए उसने धर्म परिवर्तन करके उस्मान नाम रख लिया अपना। यहाँ पर यह भी साफ हो रहा है कि धर्म परिवर्तन का भी मामला है, और दूसरी अहम बात, उसकी वफादारी का सबूत उस दिन भी दिखता है जिस दिन हत्याकांड हुआ, सबसे पहली गोली उस्मान ने चलाई। उस्मान का क्रिमिनल इतिहास बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताया जा रहा है पुलिस द्वारा, लेकिन यह जरूर है कि अतीक अहमद परिवार का करीबी था, किचन मेंबर था उनके बेटों का, कोई भी कार्यक्रम या कोई भी बात होती थी सबसे पहले वो खड़ा होता था वहां पर। मैं उस्मान के बारे में आपसे और जानकारी लूंगा, रवि शागिर्द कहा जा सकता है उसको अतीक अहमद का। बिल्कुल, मैं रवि के पास जाता हूँ। रवि, क्योंकि असद अभी लगातार फरार है और गुड्डू भी लगातार फरार है, ये दोनों ऐसे हैं गुड्डू मुस्लिम और असद जो मुख्य आरोपियों के तौर पर हैं, दोनों हत्याकांड से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या ट्रैक हो पा रहे हैं दोनों? क्योंकि अभिषेक कह रहे हैं कि असद इतना शातिर है कि वो कोई भी ट्रैक, कोई भी ऐसा पीछे सिंबल नहीं छोड़कर जा रहा कि पुलिस उस तक पहुंचे। शातिराना अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया था, और उसके बाद फिर सभी आरोपी है वो गायब लापता हो गए, और उसके बाद करीब दो घंटे तक ये भी बताया जा रहा है कि वो लोग वहीं थे, तो उनको पता था कि समय मिलेगा थोड़ा सा उनको भागने का, क्योंकि पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंचेगी, बाकी कार्रवाई होगी तब तक उनको भागने का समय मिलेगा, और उसी के आधार पर उन्होंने पूरी रणनीति बनाई और उसके बाद वो फरार हुए। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जो पुलिस की टीमें जाँच कर रही हैं और एसटीएफ की टीम या बाकी की, जो चाहे प्रयागराज पुलिस हो या उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग हिस्से की भी पुलिस की भी नजर है इस पूरे मामले को लेकर, प्रयागराज, कौशाम्बी है, लखनऊ है, नोएडा है, अलग अलग हिस्सों में जहां लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ के महानगर इलाके में पहुंची थी जहां पर बताया जा रहा है अतीक का फ्लैट था, यूनिवर्सल अपार्टमेंट में 202 नंबर, उसको सील किया गया, वहां से दो गाड़ियां बरामद की, वहां से काफ़ी सारी जानकारी मिली, वहां के जो लोग थे उनसे भी बातचीत की गई, यानी कि काफ़ी सारी जानकारियां भी मिली हैं। अभी ताज़ा जानकारी ये है कि गुड्डू मुस्लिम और जो असद हैं वो नेपाल हो सकते हैं, और ये कुछ इनपुट ऐसे
कैसे मिले हैं और जिसके आधार पर जो टीम आगे जांच कर रही है, और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि एक एसटीएफ की टीम है वो रवाना हुई है, यानी कि ये भी शक जताया जा रहा है कि नेपाल नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके कहीं नेपाल मतलब बाहर नेपाल में कहीं छिपे हो सकते हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पुलिस है यूपी पुलिस है वो सही तरीके से नेपाल के बॉर्डर का कनेक्शन जो निकल कर सामने आ रहा है उस पर भी तफ्तीश करें। मैं आपके पास लौटता हूं, एक बड़ी खबर मेरे पास और भी है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। गुड्डू मुस्लिम के करीबियों के फ्लैट पर छापेमारी की जा रही है। गुड्डू के दो करीबों के फ्लैट पर एसटीएफ ने रेड की है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट पर छापेमारी हुई, एक प्रॉपर्टी डीलर भी एसटीएफ की ने ट्रेस किया है, यानी कि जो गुड्डू मुस्लिम है उसकी धरपकड़ के लिए उसके जो करीबी हैं उनके यहां छापेमारी हो रही है। दरअसल दो करीबियों के यहां छापेमारी एसटीएफ ने की है, रेड की है, इसी व्यवहार पर यह खबर निकलकर सामने आई है। यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की गई जहां उसका एक करीबी था। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी डीलर को भी एसटीएफ ने ट्रेस किया है। इन दोनों की ट्रेसिंग भी चल रही है और ये संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, ये थ्योरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि क्या गुड्डू मुस्लिम फरार होने के बाद इन दोनों के संपर्क में आया था। अब आपको चार तस्वीरें हम दिखाते हैं इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दे रहा है कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पांच राज्यों के अंदर तलाशी लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हत्यारे गिरफ्तार हो जाएं। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और अतीक की तस्वीर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीर रही है अब तक इस पूरे हत्याकांड के अंदर। अभिषेक और रवि भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जो उस्मान है वो इतना करीबी ना सिर्फ बना बल्कि वो चाहता था हमेशा से कि वो करीबी बनकर रहे अतीक का, मुझे एक चीज यहां पर क्लियर ये करिए कि क्या आप जिस तरीके से ये उस्मान है, गुड्डू मुस्लिम भी कहा जाता है कि बेहद करीबी रहा और बहुत शुरुआत से बहुत करीबी रहा है अतीक के बारे में, अतीक के साथ रहा, शुरुआत से अतीक के साथ रहा, जब भी अतीक का कोई क्राइम हुआ, अतीक ने कोई किसी भी जगह पर कब्जा किया हो या किसी भी अपराध को अंजाम दिया हो, गुड्डू मुस्लिम वहां पर जरूर था। गुड्डू मुस्लिम कहां है, किस तरीके से इस परिवार से जुड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, 90 के दशक से गुड्डू मुस्लिम का एक बड़ा आपराधिक इतिहास रहा। इलाहाबाद की बात की जाए तो बमबाजी बहुत पहले से यहाँ पर मानी जाती है। लोग यहाँ के अपराधी ऐसे भी हैं जो AK-47 छोड़ के बम का इस्तेमाल करते हैं। बम चलाना अपने आप में इलाहाबाद की बदमाशी का एक सबूत के तौर पर रहा है कि यहाँ के जो भी लोग या क्रिमिनल्स या माफिया डॉन्स है वो बम चलाते थे घटनाओं में। और गुड्डू मुस्लिम का नाम गुड्डू बमबाज रखा गया। गुड्डू बमबाज वजह इसलिए थी कि वो बम चलाता था, बम बना लेता था। यूएसपी ये थी, बताते हैं लोग यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, कि वो चलते फिरते बम बना लेता था। मोटरसाइकिल पर क्रॉस कर रहा हो, गाड़ी में बैठा हो, कहीं भाग रहा हो, अपने पास हमेशा बम बनाने का सामान रखता था वो, और चलते फिरते कहीं भी बम बना लेता था। और यही अदा जो थी उसकी वो अतीक अहमद को पसंद आई, उसको साथ रखता था अतीक अहमद। कोई घटना, कोई जगह, इस तरह की कोई भी वारदात को अंजाम देना होता था तो वहां पर गुड्डू मुस्लिम की एक भूमिका होती थी कि वो जाकर वहां बम चलाता था। बम चलाने से दहशत फैलती थी, लोगों के अंदर भय व्याप्त होता था। बम की आवाज के बाद जो वहां पर माहौल बनता था वो दहशत का माहौल अतीक अहमद के लिए कारगर साबित होता था। जमीन लैंड बैंक जो यहां पर उसने तैयार किया, लैंड माफिया तैयार किया पूरे उत्तर प्रदेश में, ये गुड्डू मुस्लिम कहा जाए तो एक तरह से उसके लिए वो दहशत खड़ी करता था। यही वजह थी कि उसका ना सिर्फ अतीक अहमद बल्कि पूर्वांचल के भी कई माफिया डॉन से लगातार संपर्क रहा। एक वक्त ऐसा भी था 90 के दशक में कि श्री प्रकाश शुक्ला, जिसकी वजह से एसटीएफ बनी, उसके साथ बहुत लंबे समय तक गुड्डू मुस्लिम संपर्क में रहा। वो भी इसीलिए गुड्डू मुस्लिम को पसंद करता था कि गुड्डू मुस्लिम कहीं भी खड़े होकर बम बना लेता था। और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ भी कई घटनाओं में, उसने वारदातों में इस बम का इस्तेमाल किया। उसके बाद पूर्वांचल कुछ डॉन से उसकी अनबन हुई, एक मामले में वो जेल चला गया, लखनऊ में उसने घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद उसकी जमानत नहीं हो पा रही थी, अतीक अहमद ने उसकी जमानत कराई और उसके बाद से वो अतीक अहमद गैंग में शामिल हुआ। अतीक अहमद के शागिर्द के रूप में हमेशा रहता था, कोई भी घटना होती थी वहां पर वो सबसे पहले पहुंचकर बमबाजी कर देता था। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं रवि, लेकिन जिस बात का जिक्र यहां पर अभिषेक कर रहे हैं कि प्रयागराज बमबाजी के लिए जाना जाता है, पूर्वांचल का अपराध का एक अलग ही टेस्ट रहा दशकों से, और कहीं ना कहीं पिछले 6 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने देखा कि सैनिटाइजेशन बहुत तेजी से पूर्वांचल का किया गया। जो माफिया थे उनको जेल में डाला गया, जो बदमाश थे या तो जेल में हैं या फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या ये घटना उमेश पाल हत्याकांड
इन लोगों की तरफ से, अतीक के बदमाशों की तरफ से यूपी पुलिस के लिए एक चुनौती के तौर पर था कि देखें हम आपके जो सिक्योरिटी में लगे जो पुलिस के कांस्टेबल थे, जो वहां पर गार्ड्स थे, उनको भी मारा गया, न सिर्फ उमेश पाल को मारा गया। और यही वजह है कि यूपी पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है, सबसे बड़ी साख की बात यह है कि आप इस हत्याकांड में लिप्त हर एक बदमाश को या तो सलाखों के पीछे डालिए या तो एनकाउंटर में मार गिराइए, क्योंकि यह साख का सवाल है। देखिए, पुलिस के लिए साख का सवाल है और पुलिस इसको बखूबी पूरा भी कर रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि मिट्टी में मिला देंगे जो भी माफिया इस पूरे मामले में शामिल है, ऐसे जो भी जो घटनाएं होंगी उसका साफ जवाब, सख्त जवाब है वो दिया जाएगा। और जिस तरीके से इनकाउंटर की शुरुआत हुई है, पहले इनकाउंटर हुआ, फिर गिरफ्तारी हुई है, फिर उसके बाद अभी एक इनकाउंटर और हुआ है और लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। यानी कि इस तरीके का जो कृत्य किया गया है, जो पुलिस को चुनौती दी गई है और सरेआम जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, वो साफ करता है किस तरीके से पुलिस भी उसको उसी भाषा में उनको जवाब दे रही है। और जिस तरीके से अभी एक और इनकाउंटर हुआ है और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, बाकी के जो आरोपी हैं, उनकी भी तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लखनऊ से लेकर अलग अलग हिस्सों में, प्रयागराज, कौशाम्बी है, नोएडा है, अभी नेपाल की भी बात सामने आ रही है कि नेपाल में भी एक टीम गई हुई है जहाँ पर उनको इनपुट मिले हैं कि वहाँ पर ये असद और जो गुड्डू की जो बात हो रही है, गुड्डू मुस्लिम वहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल हर संभावित जगहों पर नजर है, एक प्रॉपर्टी डीलर भी इस पूछताछ के दौरान हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की, उससे भी कुछ जानकारियां मिली हैं। तो कुल मिला के एक बड़े लैंड माफिया के रूप में ये लोग काम कर रहे थे और एक मोटी यानी कि अनगिनत पैसों की कमाई भी इसके जरिए लोग करते थे। और इनका जो गिरोह है काफ़ी बड़ा गिरोह है और इसमें जिस तरीके से जो 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 सदस्य रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं वो इस घटना के जरिए ही सामने है। और उसी अंदाज में पुलिस उनको जवाब दे रही है जिससे उन्होंने घटना का जरूरी भी है उसी अंदाज में जवाब देना जरूरी भी है। कार्रवाई जितनी स्ट्रांग होगी, ये मैसेज कहीं ना कहीं दूसरे अपराधियों के लिए भी होगा कि जिस तरीके का अपराध आप दे रहे हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि वहां सीसीटीवी फुटेज है, आपको पता है कि ये अपराध पूरे देश के अंदर गूंजेगा और आप इस अपराध को इसलिए अंजाम दे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे चुनौती दी जा सके, कानून के इकबाल को कमजोर किया जा सके। मैं आपके पास लौटूंगा, एक बड़ी खबर मेरे पास और है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और असद की तलाश तेज कर दी गई है। यूपीएससीएफ ने एक टीम नेपाल भी भेजी है, 11 लोगों की एसटीएफ टीम नेपाल रवाना की गई। गुड्डू मुस्लिम असद की लोकेशन नेपाल में मिली है, दोनों की लोकेशन एक साथ नेपाल में मिली है। इसका मतलब ये साफ है कि ये बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल जा चुके हैं और ऐसे में नेपाल में लोकेशन मिली है तो अब एक एसटीएफ की टीम गई है नेपाल, जहां से इन्हें धर दबोचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असद और गुड्डू मुस्लिम चकमा देने में बेहद शातिर अपराधी कहे जा सकते हैं, क्योंकि कितनी तेजी से चकमा देते हुए ये नेपाल पहुंच गए। और नेपाल पहुंचने के बाद अब जब एसटीएफ की टीम गई है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको जल्द से जल्द धर दबोचा जाए। तो लगातार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ पर नजर हमारी बनी हुई है। रवि और अभिषेक भी लगातार नजर बनाए हुए हैं जिससे जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए। और उसकी खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको बताया, आप दोनों का शुक्रिया रवि और अभिषेक, लगातार आप नजर बनाकर रखिएगा, मैं आपके पास आगे भी आता रहूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।